हाय फ्रेंड, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर लाइव। तो आज हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स बॉक्स, यानी बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। तो इसका जो डिटेल में ये बॉक्स किस तरह से रखा हुआ, किस तरह से नहीं रखा हुआ, तो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसका पूरा डिटेल समझाया गया है कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्स वाई कर लेते हैं। ओके, ये हम लोग हो जाएगा वीपी और ये हो जाएगा HP। तो हम लोग इसकी शैडो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये भूलना होगा कि हम लोग ये बॉक्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अज्यूम करेंगे कि ये हम लोग का बॉक्स है, ऊपर इसका हम लोग का एलिवेशन दिया हुआ है। तो हम लोग ने काफ़ी पढ़ चुका हम लोग काफ़ी ने पढ़ा कि एलिवेशन कैसे बनता है और शैडो कैसे बनता है, सॉलिड का भी कैसे बनता है, हमने सारा चीज़ पढ़ चुका हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग कोई एक साइड ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये ले लेते हैं ये और ये साइड। तो हम लोग इसका साइड ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। तो हम लोग तो क्या करेंगे, 45 डिग्री पर ऐसे ले जाएंगे इसको और यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको हम लोग एक्सिस की ओर ले जाएंगे 45 डिग्री पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली बॉक्स बनानी है। तो ऊपर वाला बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ऊपर में जो बॉक्स है, ऊपर में जो लाइनिंग आएगी कौन सी आएगी, हम लोग को ये आएगा, यही है। इसके नीचे हम लोग नेमिंग किया जाए तो यहाँ पर हम लोग को होगा, यहाँ मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं इसे ए ए और नीचे 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, ए ऊपर में आएगा और नीचे में हम लोग का 1 आएगा। तो कुछ इस तरह से नेमिंग होगा। तो हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे ए है तो ए की लाइन कौन सी है, ये और नीचे वाली है, यहाँ से नीचे चला गया, हम लोग को ए यहाँ पे मिल गया। इसी तरह 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 के लिए हम लोग नीचे की सो लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, 1 के लिए हम लोग को यहाँ से ड्रॉ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बी करते हैं, यहाँ पे बी और 2। तो यहाँ ए के पीछे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिला हुआ ऑलरेडी पॉइंट मिला हुआ, तो यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे ए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, जैसे इधर किए हम लोग भी इसको ऐसे ही करेंगे, इसको नीचे कर देते हैं हम लोग और इसको भी हम लोग नीचे कर दिए। ठीक, अब हम लोग इसको भी ऊपर कर देते हैं 45 डिग्री पे। अब जैसे हम लोग की ये नीचे का लाइन है तो इसको हम ऊपर नेमिंग कर देते हैं, अब यहाँ सी और 3, यहाँ पे डी और 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेमिंग, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी के पीछे सी हो जाएगा और 4 के पीछे 3 हो जाएगा। तो हम लोग ये जो डी और सी है, तो हम लोग डी और सी मिलाते हैं पहले, कहाँ पे है डी और सी, तो यहाँ से नीचे लाएंगे हम लोग तो कुछ यहाँ पे मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें हम लोग और इसे ऐसे। तो ये हम लोग क्या हो गया, ए बी सी और डी। इसी तरह 1 2 3 4 जो है उसको भी हम लोग वैसे ही कर देते हैं, इसको नीचे ड्रॉप करते हैं। नाउ फ्रेंड, हम लोग का ये हो गया 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आउटर एरिया है उसको हम डार्क कर देंगे, ये हो जाएगा डार्क। तो हम लोग ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर का जो बॉक्स है इसको हम लोग 45 डिग्री पे ले जाएंगे शैडो के लिए। तो यहाँ से हम लोग इसको 45 डिग्री पे लगे हैं, इससे हम लोग 45 डिग्री पे ले गए। ठीक, अब हम लोग डार्क कर देते हैं। तो डार्क कौन कौन सा हुआ, ये आउटर एरिया होगा हम लोग का डार्क,
तो फ्रेंड हम लोग के ये जो ऊपर का एलिवेशन है, तो ऊपर का एलिवेशन जब रहेगा बना हुआ तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे डॉटेड में दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करें, ऊपर का जो एलिवेशन है हम लोग हटा दे रहे हैं, तो ऊपर का जो हम लोग का जो ये स्क्वायर रखा हुआ हम लोग उसको हटा के देख रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा यहाँ पर हम लोग का डार्क हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो वो शेडो दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको डार्क कर देंगे। ओके, ये डार्क कर देंगे, कुछ हम लोग का इस तरह से डार्क हो जाएगा। जब अगर ऊपर हम लोग का स्क्वायर जब रख देंगे, मतलब हम लोग ऊपर स्क्वायर जब रखा हुआ देखेंगे, तो हम लोग का जो ये शेडो है, जो ये जो डार्क किए हैं, ये डॉट डॉट में आ जाएगा और ये डार्क हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, हम लोग ऊपर का जो अथी हटा के, मतलब इमेजिन कर देंगे, इतना शेडो जब बन गया तो हम लोग ऊपर हटा के देखें, तो हम लोग जो शेडो है यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग हैचिंग हैच कर देते हैं। तो हम लोग का शायद कुछ इस तरह से होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पर भी तो शैडो पड़ेगा, जब हम लोग का जब लाइट आएगा तो हम लोग इस पर भी कुछ शैडो आएगा, इस स्क्वायर का, यानी जो रिक्टेंगल आपको दिखने में लग रहा है, तो इसका भी कुछ शैडो इस पर आएगा। तो उसका शैडो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो सर ने भी एक ट्रिक बताया था, तो इसको पहले वाले वीडियो में मैंने डाल दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको है जो 45 डिग्री इस कॉर्नर को, और इस कॉर्नर को हम लोग 45 डिग्री पे कर देंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहीं पे आया। ओके, और इसे हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री पे इसको भी हम लोग करेंगे। तो ये मीट कहाँ करेगा, तो ये जो लाइनिंग हम लोग का जाएगा, ये जो लाइनिंग वहाँ तक हम लोग को यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। जैसे ये ऊपर गया पॉइंट, यहाँ पर हम लोग को पॉइंट ये मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर ऐसे करके ले जाएंगे, यहाँ पे आ गया। हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री पर नीचे करेंगे, तो हम लोग को जहाँ पे ये जो लाइनिंग जाएगी ऊपर से, वहाँ पर उसकी पॉइंट हो जाएगी स्टॉप। हम लोग क्या करेंगे, अभी से हम लोग मिला देंगे, ऐसे हम लोग मिला देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे शेड कर देंगे, यहाँ पे शेडिंग यहाँ पे कर देंगे। ओके, तो हम लोग कुछ इस तरह से इसका शैडो बनेगा। तो आप यहाँ से इस तरह बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग जो फिगर है हम लोग बनाएंगे। अब ये जो यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर के ऊपर हम लोग रिक्टेंगल रखेंगे और ट्रेंगल रखेंगे, ट्रेपीजियम भी रखेंगे और सर्किल भी रखेंगे, हम लोग सारे बनाएंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम लोग ट्रेंगल के करते हैं। जैसे अब हम लोग जो है स्क्वायर के ऊपर, यानी प्रिज स्क्वायर प्रिज के ऊपर हम लोग अब ट्रेंगल रखते हैं। ओके, तो अब इसका हम लोग शैडो बनाएंगे, और इस हम लोग यानी कि इस पर शैडो किस तरह से बनेगा। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जैसे क्या करते हैं, हम लोग वैसे करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे ट्रेंगल बना लेंगे, जो ऊपर का है ऊपर और नीचे का हम लोग ट्रेंगल बना लेंगे। बाकी आपको पता है पॉइंट कैसे कैसे आएगा, हमने इसमें बता दिया था पॉइंट। नो फ्रेंड, हम लोग का जो यहाँ पर ट्रेंगल बन गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेंगल है। अब हम लोग देखिए बात करते हैं, तो हम लोग का जो ऊपर का जो ये ट्रेंगल है, ये इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ इस जैसे हम लोगों ने यहाँ पे माना था ए और बी और डी और सी, तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही मान लेंगे ए और बी और डी और सी, और यहीं पे 4 और 3 और 1 से, तो हम लोग ए बी सी कौन सा बन जाएगा, ए बी सी डी, तो हम लोग को ये बन जाएगा ए, तो हम लोग मान ही लेते हैं इसको, बना लेते हैं जल्दी से। फिर नेमिंग कर दीजिएगा कि आप जो है कंफ्यूज ना हो। ओके, नेमिंग करने से होता है कि आप कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे, तो आप लोगों को है जो वो आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमने लिख रहा है बी ए, हमने काफ़ी छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि हमें कुछ छोटा मेरा फिगर बन रहा है। तो यहाँ पे हो गया ए बी सी, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1।
ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटर जो लाइन है उसको डार्क करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग का जो है इस ट्रायंगल का शैडो ऐसे ऐसे लगेगी, ऐसे आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसके नीचे वहाँ उसका भी शैडो बनेगा, तो हम लोग देखेंगे जो ये थ्री से जो वन लाइन गया तो इस पर जाके एक मीट करेगा, तो ये मीट करेगा आपका यहाँ पे, ये वाला यहाँ पॉइंट हो गया, इसका भी मीट करेगा यहाँ पे, ओके कुछ इस तरह से पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम डार्क कर देंगे, आउटर कुछ ऐसे डार्क होगा, हम लोगों ने क्या किया इसे हैचिंग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो शेडो है अब इसके भी कुछ शेडो पड़ेगा, तो हम लोग इसका शेडो अब बनाएंगे। तो इसका शेडो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसका शेडो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री पीछे क्या करना है, इसको लाइए यहाँ पे, ओके यहाँ पे लिया है। अब इसको क्या कीजिए, ऊपर ले जाइए और यहाँ पे कहीं टच करेगा, ये ऐसे ले जाइए ऊपर, यहाँ पे आपका आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसे क्या कीजिए, यहाँ से डाउन कर दीजिए इसे, ये जो पिन पॉइंट है यहाँ से आपका इसको डाउन कर दीजिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से मिलाइए, ये जहाँ मीट करेगा वहीं पर आपका ये पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लाइन खींचा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, तो कुछ यहाँ पे आता है हम लोग का पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग मिला देंगे पॉइंट, ओके। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हैच कर देंगे इसे, यहाँ पे आपका पूरा हैचिंग होगा इस तरह से, जितना आपका पूरा हैचिंग होगा इतना जो है आपका यहाँ पे साइड पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका डार्क होगा। नौ फिर हम लोग पेंटागन का जल्दी से हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ओके। हम लोग के ऊपर जो है पेंटागोन दो बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो ये स्क्वायर का दो एंडिंग है, हम लोग इसको क्या करेंगे ऊपर की ओर ले जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे जो पेंटागोन का जो आउटर लेयर है, जैसे कि यहाँ से जो हमने इसको थोड़ा डार्क कर दिया है हमसे, जो आउटर लेयर है उसे क्या कहेंगे डार्क कर देते हैं। नो फ्रेंड, हम लोग का हैच हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग शैडो बनाएंगे। तो इस पर शैडो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी है हम लोग क्या कहेंगे, नीचे ले जाते हैं, हम लोग इससे भी आते नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे, ओके 45 डिग्री पे नीचे लाया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी अच्छी से यहाँ से हम लोग मिलाएंगे, कहाँ पे टच करा है तो आपका येलो है यहीं पे आ रहा है, ओके
तो कुछ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक। इसको भी हम लोग लेकर जाते हैं ऊपर में, शायद वहीं पे आएगा हम लोग का पॉइंट। इस पॉइंट को मैं छोड़ूंगा, ठीक है। इस पॉइंट का यहाँ आ रहा है और इस पॉइंट का यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, इस पॉइंट का हम लोग को आ रहा है, यहाँ हम लोग का पॉइंट आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोग जो हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब पॉइंट आया तो हम इसको इस तरह से मिला देंगे, ओके, यहाँ से मिला देंगे। लेकिन यहाँ से जो इस शेडो आ रही है तो इधर आएगी लाइट में, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डार्क रहेगी, यहाँ से कुछ ऐसी डार्क रहेगा, लेकिन यहाँ से फिर हम लोग को पूरा वो शेडो दिखेगी। ऐसे होगा।